दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद मोहल्ले मात्र 3 भूर जमीन के विवाद में जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों के करीब आधे दर्जन लोग जख्मी हो गए। सभी घायल के इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराया गया है। इस मारपीट की घटना में घायल मासूम अहमद के बेटे की शादी 3 दिन बाद होली थी। उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसको शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वहीं जमीनी विवाद में हुए एक दूसरे पर कैसे जानलेवा हमला कर रहे हैं, इस मारपीट के लाइव वीडियो से साफ समझा जा सकता है। वहीं जख्मी मासूम अहमद ने बताया कि उनके पुत्र मोहम्मद शाकिर की शादी 3 दिन बाद 23 जुलाई को होली है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही थी। इसी क्रम में उन्होंने अपने भतीजे को घर के सामने की जगह खाली करने को कहा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी और देखते ही देखते लाठी डंडे और धारदार हथियार से हम लोगों पर हमला कर दिया गया। इस मारपीट की घटना में दूल्हा मोहम्मद शाकिर सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। शेष लोगों का इलाज DMCH में किया जा रहा है। वही विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने बताया कि दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद गश्ती कर रही गाड़ी मौके पर पहुंचकर सभी घायल को इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराया है। वही मदन प्रसाद ने बताया कि अभी तक किसी पक्ष की तरफ से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होते ही अगर तक कार्रवाई की जाएगी। हेलो, ये घटना सर ऐसी हुई कि हमारी जमीन मौका है, शादी के मौके पर हमारी चीज को मैं बोला खाली करने को, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम होता है और हमारी जमीन पे अपना करने का प्रोग्राम था। पहले हमने तकरीबन 15 दिन पहले उन लोगों को बताया कि भाई हमारी चीज़ है, हमें ज़रूरत है, आप इसको खाली करो। ठीक है, वो खाली नहीं किया, उसको कई बार टाइम दिया गया, भाई कल करो परसों करो। टाइम देने के बाद आज हमने उन लोगों से कहा खाली करने को, तो खाली करने के बजाय वो पूरे प्रोग्राम में थे, वो लोग पूरा हथियार निकाल के रॉड निकाल के और एक बैग जो है हम लोग को अटैक कर दिए। हम लोग को ये अंदाज़ा नहीं था उन लोगों को ऐसा प्लानिंग है, लेकिन एक बैग वो लोग हम लोग एकाएक हमला किया जिसको हम अपने बचाव नहीं कर पाए। हम लोगों को जो है उन लोगों ने बुरी तरह जो है सारे भाइयों को, मेरे अंकल कुल कितने लोग घायल हैं? तकरीबन 5 से 6 लोग। हमारे एक भाई है जिनकी शादी है, वो ज़्यादा इंजोर्ड है, वो सीधे हॉस्पिटल में एडमिट है। जमीन को खाली करने के लिए उस पर लकड़ी उकड़ी रखे हुआ था, अब उसको शादी है घर में, शादी के लिए उसको कहा है कि खाली करो, यहाँ पर मेरी ज़रूरत है। अब वो लोग पूरी तैयारी में पहले से था, अब वहाँ बाउंड्री किया हुआ था, ऑलरेडी पहले से आज से 12-15 साल पहले की बाउंड्री है, उसके आगे सब कुछ है, उसको तोड़ने में लगा सबको। हम तैयारी के साथ था, तैयारी के साथ था, सबको मारकर मारना शुरू कर दिया। इससे पहले किसी को बोले हुए थे क्या इस बारे में? कि इस बारे में पहले बहुत हुआ है, पहले भी केस वगैरह हुआ है, बहुत सारे पंचायत हुई थी, सारा फैसला हो चुका है। उन लोगों को रास्ता नहीं था चलने के लिए, रास्ता चलने के लिए अपनी ज़मीन को उसको दिया हमने, वो सारा फिर सब कुछ मौजूद है वहाँ पर, सारे लोगों को पता है। वो ज़बरदस्ती जो है मतलब कब्जा करने के लिए ज़मीन को, जो है मेरी ज़मीन को कब्जा करने के लिए वो लोग। इस न्यूज़ के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज़ वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।